गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस ऑन द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमने पिछले दो लेक्चर में हमने पॉलीनोमियल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद हम लोग नई चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसके नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हमने नाइन्थ क्लास में जब हमने पढ़ा था तो उसमें था जो चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लेकिन यहाँ पे जो न्यू चैप्टर है इसको हम बोलते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर वेरिएबल क्या होता है. हमने वेरिएबल बहुत बार बता चुके हैं, क्लास सेवन में ही बताएं क्लास एट में ही बताएं. उसके बाद जब पॉलीनोमियल बता रहे थे उस टाइम में भी हमने बताया था वेरिएबल क्या होता है. अब वेरिएबल क्या होता है कि मान लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कोई सा भी हमने इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स. वेरिएबल के माने क्या होता है कि किसी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, यानी वो बदलते रहे, उसी को तो वेरिएबल कहते हैं ना. अगर सपोज हमने मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हमने बात करें तो लेट द एज ऑफ राम, हमने राम का ही एज मान लिया एक्स, एक्स मान लिया तो एक्स इज क्या है, वेरिएबल है. लेकिन वेरिएबल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सारे नंबर से हम लोग अल्फाबेटिक नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए एक्स और वाई भी हो सकता है क्योंकि क्योंकि वेरिएबल क्या आ सकता है, दो है ना. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल दो 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 एक साथ आएगा ना. या तो हम एक्स एंड वाई ले सकते हैं या तो यू एंड वी ले सकते हैं और एस और टी ले सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया. अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन हमने क्लास सेवन में जो हम क्लास सिक्स में वहाँ पे पढ़ाए थे तो सबसे पहले वहाँ पे बताए थे आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. क्या चीज़ का स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है, स्टेटमेंट हो सकता है किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है, वो इक्वालिटी होता है. जैसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम तो और भी कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है इक्वेशन में, और हम लोग डिस्कस करेंगे. सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हमने लिया तो ये लीनियर इक्वेशन कब होगा, एक लैकिक समीकरण कब होगा, जब x की पावर y की पावर जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या हो जाए, एक हो जाए. एक होगा तभी तो इसका लीनियर होगा ना. अगर दो होगा तो ये तो लीनियर नहीं होगा ना. यानी वेरिएबल का जो पावर है x और y, इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है तो x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और y की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है. तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल का. इसमें वेरिएबल कितना है देखो गौर से, इसमें वेरिएबल आप देखोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है. तो हमने टू वेरिएबल बता दिया, लीनियर इक्वेशन बता दिया कि एक किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल का जो पावर जो होगा वो मैक्सिमम जो डिग्री होगा उसका कितना होगा, एक होगा. एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, उसी को हम तो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो हमने इक्वेशन की बता दिया. अब यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल ले लो, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमारे टॉपिक पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो x और y का जो डिग्री है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 होना चाहिए. अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वह क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. तो मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए आपको, 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे वही हमने लिखा ना, हाईएस्ट डिग्री पावर एक्सपोनेंट या रेडिकल ऑफ ए वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. यानी एक से ज़्यादा उसका हो ही नहीं सकता है. सपोज आप देख लो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5. यहाँ पे देखो x का जो पावर जो है वो इसका डिग्री कितना है, 1 है ना. और यहाँ पे y का भी क्या है, वेरिएबल क्या है, डिग्री कितना है, 1 है. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल भी बता दिए और टू वेरिएबल मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा. लीनियर इक्वेशन की मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो उसका जो हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब उसके बाद हमको पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. पहले यहाँ तक नोट कर ले, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे पढ़ो. अब हम लोग आते हैं, पहले तो हम लोग बता दें लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल.
अब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कब होगा? किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल का जो वेरिएबल होगा उसमें क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए और वाई भी होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज हमने क्या कह, यहाँ पे अगर सपोज हमने एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, सपोज एस रख दिया और यहाँ पर टी रख दिया, तब उसके बाद इक्वेशन हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 7t इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन गौर से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, क्या ये दोनों इक्वेशन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया ना, यानी किसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कब कहेंगे, जब दोनों की वेरिएबल अगर x है तो इसमें भी x होना चाहिए, अगर y है तो इसमें भी y होना चाहिए। तो यहाँ पे गौर से देखें तो पहला वाला इक्वेशन में x और y एक दूसरा वेरिएबल है, और यहाँ पे s और t कितना है, दूसरा वेरिएबल, दोनों वेरिएबल मिल के मेरा कितना हो गया, चार वेरिएबल हो गया ना, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा, इस क्योंकि इसमें ये जो वेरिएबल वो चार हो गया ना। अगर वेरिएबल हमने क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब होगा, जब सॉरी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कब होगा, जब दोनों का वेरिएबल शुड बी सेम, यानी वेरिएबल आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एक्स है तो एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। सपोज हम आपको एग्जांपल दें डेली लाइफ से, जैसे आप जाते हैं आप शॉप ऑफ की दुकान में, ठीक है, जूता लाने, तो आप जूता लेते हैं तो आपको पेयर से मिलता है ना, कोई ऐसा नहीं ना कि एक आपको जूता दे दे और एक आपको चप्पल दे दे, तो दोनों तो पेयर्स तो नहीं होगा ना, यानी वो कभी मिलेगा तो क्या, जूता मिलेगा तो पेयर्स में ही मिलेगा, आप जो चप्पल भी लेके आते हो मार्केट से तो वो भी पेयर्स में मिलेगा। सेम उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता है, पेयर्स में, अगर एक्स है तो एक्स इसमें भी होना चाहिए, वाई है तो वाई इसमें भी होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स के माने क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पेयर्स के माने आप कुछ और समझ जाओ, पेयर्स के माने होता है जोड़ा। इतना चीज़ कंप्लीट हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन सॉरी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हमने पढ़ लिया, हमने अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट सीख लिया, सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, और उसके बाद सीखने के बाद से जो हमारा जो मेथड जो होता है कि उस लीनियर इक्वेशन को जब हम सीख लिए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वहाँ पर वो देखो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, सॉल्विंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी किसी भी लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो हम सॉल्व करने का जो मेथड है वो दो तरह का मेथड होता है। पहला जो होता है मेरा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो होता है मेरा अल्जेब्रिक मेथड। और अल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन तरह के आता है, देख लो, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो होता है मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ये सब क्या होता है हम आगे बताएंगे। उसके बाद हमने ये अब उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। सपोज आप देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ए दोनों में हो गया, बी दोनों में हो गया, सी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a1 b2 c1, a2 b2 c2। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि x और y यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, तब तो जाके ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ना, अगर वेरिएबल होगा नहीं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको होना चाहिए कि अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, x और y वेरिएबल हो गया, अब दूसरा लिखेंगे कि b1, b2, c1 and c2 क्या होना चाहिए आपको, आर रियल नंबर, यानी अगर ये नियर नंबर होगा तब जाके पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। यानी जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो a1x plus b1y plus c1 = 0, दूसरा जो होता है a2x plus b2y plus c2 = 0, जहाँ पे x और y हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और a और b एंड c आर रियल नंबर। बच्चों आप इतना आप नोट कर ले, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पढ़ लिया था कि जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 =
जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू, बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये होता है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या था, वेरिएबल था, और ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू क्या होना चाहिए, हमारा रियल नंबर होना चाहिए था, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या किया कि एनसीईआरटी के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद से पहला जो मेरा एक्सरसाइज है वो 3.1 का, वो पहला हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये कोई हार्ड नहीं है, बस आप हल्का से समझना इसको, गौर से पढ़ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। देखिए हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन। बोला है कि अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अफ्ताब अपने बेटी से कर रहा है, क्या बोल रहा है देखो। बोला है कि 7 years ago, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू, तुमसे हम 7 गुना क्या है, बड़ा है। अपने बेटी से बोल रहा है, कब, जब उसका बेटी जब 7 साल का होगी तो उसे क्या है, 7 times क्या है, वो बड़ा है, बोला है अफ्ताब अपने बेटी से। इसमें 2 statement है, अब इसमें 2 statement है तो 2 equation बनेगा ना। पहला तो स्टेटमेंट यही है ना, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्डर यू वेयर देम, यानी 7 गुना कब होंगे, जब क्या बोल, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, एंड तुमसे हम क्या है, 7 गुना बड़े। ये पहला स्टेटमेंट है, वेयर देम एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट का हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, यानी आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है उसे हमने मान लिया 1 year, और उसका प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितना है, 5 years का है। तो हमने 7 years एगो, यानी हमने 7 साल पहले की बात बोला है ना, यानी 7 साल पहले, अगर आफ्टर होता तो यहाँ पे प्लस होता, यानी वो 7 साल पहले की बात बोल रहा है, तो हम इसलिए कि आफ्ताब का जो एज है वो 6 - 7, डॉटर का भी कितना है, उसका प्रेजेंट एज से वो 7 years क्या है, देखो यहाँ बोला है 7 years एगो, तो हमने क्या किया, y - 7 कर दिया। अब क्या किया, दोनों का स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इक्वलिटी करेंगे। वहाँ पे बताया था ना कि इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है इक्वलिटी का। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू वाई माइनस सेवन, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, बोला है कि जो आफ्ताब जो है वो 7 गुना किससे, अपने डॉटर से बड़ा है, तो आफ्ताब के तो 7 times हम क्या करें, इक्वलिटी यानी हमको बराबर करना है ना, तो हम इसलिए हम इस डॉटर को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो जाके ये बैलेंस होगा ना इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना, जब तब जाके ये इक्वेशन क्या होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का क्या करेगा, फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब ये पहला मेरा इक्वेशन है, पहला स्टेटमेंट से हमने पहला इक्वेशन हमने क्या करें, बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू 7y - 49, एक्स माइनस 7y इज इक्वल्स टू -49 + 7, तो एक्स माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। ये पहला मेरा इक्वेशन आ गया। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, दिस इज मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है कि आफ्टर थ्री इयर्स, यानी वो 3 साल बाद बोल रहा है, आफ्टर 3 years बोल रहा है ना, 3 साल बाद बोल रहा है, तो आफ्ताब का जो एज कितना हो जाएगा बता दो। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोग चाहोगे तो लिख लेना, आप लोग x + 3 और उसका जो बेटी का भी कितना हो जाएगा, इस डॉक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डॉक्टर का बता दो बच्चों, y + 3। अब यहाँ से बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज
ओल्ड यू विल बी जब आप 3 साल को हो गया। अब यह पहला मेरा इक्वेशन बन गया था। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या होता है कि बोला है आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, और दूसरे इसका डॉटर के कितना हो जाएगा, इसका बेटी के कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3। अभी जो स्टेटमेंट बोला है कि 3 टाइम्स ओल्डर एज विल बी, यानी जिसका जो स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपको एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वाई प्लस 3। जब ये 3 साल का 3 गुना इसका हो जाएगा इस डॉटर का, तभी तो जाके क्वालिटी का सेटिस्फाई करेगा स्टेटमेंट का ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये हो गया। अब ये 2 इक्वेशन को हमको ये बोला है कि रिप्रेजेंट हिज सिचुएशन अलजब्रिक एंड ग्राफिकली, यानी अलजब्रिक मेथड से भी इसको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली बताएंगे। तो अलजब्रिक तो हम लोग बता दिए, ये सॉल्व करके आ गया। अब दूसरा मेरा होता है इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ पे बनाएंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अलजब्रिक मेथड से सॉल्व कर लिया था, एक्स और वाई के एक्स ग्राफ बने, हमने रिप्रेजेंट कर दिया था इक्वेशन को। अब इसको सेकेंड पार्ट हमको बोला है कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ के आया, क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ रहे हैं। आपको हम पिछले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बताए थे कैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर से बता देते हैं। दिस इज योर एक्स डैश 0, एक्स वाई वाई डैश। हमने 2 स्ट्रेट लाइन लिया, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों एक दूसरे पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर रख दिया। एक जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट या डैश इज योर ओरिजिन, हमने ओरिजिन बोल दिया। अब इसको ये 2 लीनियर इक्वेशन है ना, ये 2 लीनियर इक्वेशन को हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे हमको इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल कैसे बनाते हैं आइए हम देख से करेंगे। वो देखिए ये आपको ये टेबल पहले बनाना पड़ेगा आपको। टेबल देखिए कैसे बनाएंगे, टेबल को लिए एक्स और वाई। पहला इक्वेशन ये देखो, एक्स प्लस 7y इज इक्वल्स टू -42 है। अगर x से जगह पर आपने रखा x इज इक्वल्स टू -7 रखा, तो देखो ये क्या होगा, 7 × -7 इज इक्वल टू -42, तो x -49 इज इक्वल टू -42, तो x इज इक्वल टू 49 - 42, तो x इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 7। यानी एक्स की जगह पर आपने रखा एक्स के जगह पर सॉरी वाई के जगह पर आपने रखा -7, तो एक्स की वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर आपने एक्स की जगह पर आपने 0 रख दिया, आपने 0 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो कैसे एक्स की जगह पर आपने 0 रखा, तो +7y इज इक्वल्स टू -42, तो वाई इज इक्वल टू -42/7 एनी वाई इक्वल टू -6। पहला तो मेरा हो गया टेबल। अब आते हैं दूसरा टेबल पे। दूसरा टेबल देखो यहाँ पे, एक्स और वाई है। हमने एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। अगर एक्स की जगह पर हमने 6 रखा है, तो देखो तो क्या हुआ, 6 - 3y इज इक्वल टू 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 3y, तो 0 तो 0 आ गया। अगर 0 रख दिए एक्स की जगह पर, अगर 0 रख दिए, तो वाई की वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, -2। दोनों आ गया ग्राफ।
अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, टेबल हमारे पास बन गया। पहला जो है एक्स इक्वल टू सेवन और वाई इक्वल टू सेवन माइनस सेवन, तो एक्स इक्वल टू सेवन एंड वाई इक्वल टू माइनस सेवन, ये कहाँ मिलेगा, जहाँ दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइन जोड़ो करेंगे। एक्स इक्वल टू सेवन एंड वाई इक्वल टू माइनस। दूसरा जो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू सिक्स, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी, जीरो कमा माइनस सिक्स। अब इसको क्या करेंगे, दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमारा बना, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल्स टू माइनस फोर्टी टू। पहला मेरा ग्राफ हो गया। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट ग्राफ इसलिए नहीं आ रहा है बच्चों, क्योंकि आपको आपके पास अगर ग्राफ होता तो सबका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल हो। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, किसी का इक्वल है किसी का अनइक्वल है, हमने तो अपने मन से लिया है ना। अगर ग्राफ होता तो इसका वैल्यू एकदम बिल्कुल परफेक्ट आता, ग्राफ नहीं है इसलिए आपका वैल्यू परफेक्ट नहीं आ रहा, तब भी समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरा हम लोग को देखो, एक्स इक्वल टू छः, एक्स इक्वल टू सिक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू सिक्स, सॉरी हाँ, वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू सिक्स, सही जा रहा है, सिक्स कोमा जीरो। दूसरा मेरा एक्स एक्स जीरो, एक्स इक्वल टू सिक्स हो गया, वाई इक्वल टू जीरो। दूसरा मेरा क्या है, पॉइंट जीरो कोमा माइनस टू, तो एक्स एक्स जीरो और वाई एक्स इज माइनस टू, वाई एक्स क्या है माइनस टू। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका बी पॉइंट है जहाँ पे कोऑर्डिनेट जीरो कोमा माइनस टू। ये ग्राफ क्या चीज़ का होगा, ये आपको एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। यहाँ पे हो गया, यही तो हमको शो करना था, ये मेरा हो गया। एक्स एक्स पहला पॉइंट जो मेरा था सेवन कोमा माइनस सेवन एंड दूसरा मेरा कोऑर्डिनेट था जीरो कोमा जीरो कोमा माइनस सिक्स, तो जीरो कोमा माइनस सिक्स हमने दिखा दिया, जीरो और एक्स एक्स माइनस सिक्स, सेवन एक्स एक्स सेवन वाई एक्स माइनस टू पहला ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ मेरा क्या था, सिक्स कोमा जीरो, एक्स एक्स सिक्स वाई एक्स जीरो। दूसरा मेरा मोमेंट क्या था, जीरो कोमा माइनस टू, एक्स एक्स इज जीरो एंड वाई एक्स इज माइनस टू, ठीक है। यही आपका ग्राफ, पहला क्वेश्चन हमने बना दिया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, बन जाएगा। पहला एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। हमने एनसीईआरटी के टेन एनसीईआरटी का 3.1 पहला एक्सरसाइज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है, टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो इक्वेशन को आपस में जो सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा वो आप देखेंगे। बट ये टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी बोर्ड का एग्जाम हो गया, सीबीएसई हो गया, चाहे बीएससीबी हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, या और भी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट। सीबीएसई में हर बार ये पूछता है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसलिए ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। बहुत सिंपल भी है, आप समझोगे, एक दो बार आप पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बचेगा ही नहीं, मेरा गारंटी है। बस आप ईमानदारी से पढ़ो, पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले क्या है। सोल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा मेरा ग्राफ ये है। देखिए आपको हम पिछली क्लास में हमने एक चीज़ बताया था कि a1x plus b1y plus c1 is equal to क्या होता है, जीरो। ये क्या होता है, ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, सीधा रेखी होता है बच्चों। तो सीधा रेखा जो हमने ये क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, सपोज ये स्ट्रेट लाइन l1 है
और इसका वैल्यू क्या है, मान लिया कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरा मेरा कोई ग्राफ है, ये मान लिया जिसका लाइन एल टू है और जिसका इक्वेशन क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। यानी दो स्ट्रेट लाइन है ना, दो स्ट्रेट लाइन, सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा मेरा स्ट्रेट लाइन क्या है, दूसरा मेरा स्ट्रेट लाइन ये है, सॉरी क्या हो गया, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों एक दूसरे पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने मान लिया, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अगर दो स्ट्रेट लाइन, सपोज स्ट्रेट लाइन ये है दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों दो स्ट्रेट लाइन आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये और इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। तो ये मेरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, यानी ये यूनिक सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंस क्या होता है, देखिए कॉन्सिस्टेंस वो होता है कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट करे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंस। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, दूसरा स्ट्रेट लाइन, दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। उस वही देता है ग्राफ मेरा यूनिक सोल्यूशन देगा, क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। ये पहला केस था। अब आते हैं दूसरा केस में, एक्स वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। दूसरा देख लीजिए केस सेकेंड, कोई सा ग्राफ मान लीजिए, एक ग्राफ ऐसा है एक्स एक्सिस ये है, सॉरी ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ये है। कुछ ऐसा केस आ जाए कि एक स्ट्रेट लाइन ये है दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर रेखा हो जाए। तो पैरेलल होगा कब, जब दोनों के दोनों को बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सब जगह क्या होगा, आपस में क्या होगा, सेम होगा, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। एक स्ट्रेट लाइन L1 है, दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 है, इसका जो ग्राफ है A1x प्लस, सॉरी इसका इक्वेशन है B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा मेरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अगर दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपने देखा है ट्रेन का पटरी, ट्रेन का जो पटरी होता है तो वो क्या होता है, वो समांतर रेखा हुआ है, सीधा रेखा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है हमेशा, आपने देखा होगा वो पैरेलल लाइन है। तो वो पैरेलल लाइन के जो हम सोल्यूशन हम इसको पता करेंगे, तो ये सोल्यूशन क्या होगा मेरा, नो सोल्यूशन होगा। क्या हो, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा आंसर, इसका जो सोल्यूशन जो होगा यानी जो सॉल्व करेंगे तो उसका क्या होगा, इसका नो सोल्यूशन। क्या होगा इसका बच्चों, नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। हम इसी को हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंस। हम इसको क्या बोलेंगे, जहाँ अगर ऐसा इक्वेशन जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना हो तो उसे हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंस। और कॉन्सिस्टेंस हमने बताया अभी कि ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो, है जिसका सोल्यूशन हमको पता है, उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सिस्टेंस। तो कॉन्सिस्टेंस ने बता दी कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी को सोल्यूशन बोलेंगे, उसी को हम लोग यूनिक सोल्यूशन। अगर ऐसा केस आ जाए एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसमें कोई सोल्यूशन कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। तीसरा जो केस होता है मेरा, केस सपोज एक स्ट्रेट लाइन L1 है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरा L2 है, दोनों क्या कर, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर क्या हो गया मेरा, कॉइंसाइड कर गए। एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को मेरा क्या करे, कॉइंसाइड करे। कॉइंसाइड के मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के हम दूसरे स्ट्रेट लाइन पर क्या करे, रख दिए, तो उसका तो मेरा जो सोल्यूशन जो होगा वो बहुत इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट, देखो सपोज ये स्ट्रेट लाइन जो बना होगा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या होगा, आपस में मिल के एक स्ट्रेट लाइन बने होंगे,
बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। और पहला जो पॉइंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज क्या होगा, सॉरी पॉइंट जो होगा, रे नहीं बोलेंगे, पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट दूसरे पॉइंट के क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो एक ये सोल्यूशन होगा, एक ये सोल्यूशन होगा, एक ये सोल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसका जो सोल्यूशन जो होगा इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइटली सोल्यूशन, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली सोल्यूशन। किसी किसी बुक में लिखता है इसको डिपेंडेंट, क्या लिखा जाता है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब देखिए, इतना पहले आप लोग नोट कर दीजिए इनफाइनाइट पहला के, फिर एक बार समझ लीजिए आप चाहो तो, हो गया। अब देखिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए हमको क्या पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बना के उसके बाद देखना पड़ेगा कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है कि नहीं, इनफाइनाइट सॉरी नो सॉल्यूशन के लिए। देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के कोर्स इनसाइड कर जाए, लेकिन इसको हमको बनाने में, ग्राफ बनाने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा। सपोज अगर मेरा एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए क्या ये सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंस है, इनकॉन्सिस्टेंस है कि नहीं, तो उसे हम कैसे पता करेंगे। ऐसा हमको ट्रिक मिल जाए, एक ऐसा हमको ट्रिक मिल जाए जिसे हमको इक्वेशन देखे और डायरेक्ट हम बता दें कि ये सोल्यूशन ही तो यूनिक सोल्यूशन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा ट्रिक पता चल जाए तो इतना हमारा चीज़ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम उसको कैसे हम देखेंगे, सपोज अगर मान लेते हैं कि अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सपोज हमको कोई सा भी एक इक्वेशन दे दिया जाए, उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या करें, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद से देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है कि नहीं, या ये भी देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, या ये भी देखेंगे कि, तो उसके हमारे काम करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा ना, यानी बहुत सारे टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन हमको एक ऐसा ट्रिक पता चल जाए जिसे हमको इक्वेशन देगा और फौरन बता दे कि हाँ इसका ये सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है। आइए बताते हैं उसको। ये मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, सपोज हमारा ये जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर हमारे पास कॉन्सिस्टेंस कब होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है कोई सा भी इक्वेशन, तो हम उसे बोलेंगे क्या है, यूनिक सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सपोज एग्जाम्पल देख लो चाहो तो, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x + 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब ये देखो ये इक्वेशन क्या है बच्चों, ये देखो आप इक्वेशन क्या है, ये इसका कोफिशेंट a1 क्या है, इसका कोफिशेंट है, तो इसका कोफिशेंट मेरा कितना है 2, और दूसरा का x का जो कोफिशेंट है 3, क्या ये इक्वल है 3/4 के, 2/3 इज इक्वल्स टू 3/4 नहीं है ना, तो इसलिए मेरा को ये सोल्यूशन जो मेरा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब अब हमको तो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर, ग्राफ कब ड्रॉ करेंगे, जब टेबल बनाएंगे, टेबल बना के उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, दूसरा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और देखेंगे दोनों एक दूसरे पर कहाँ पर पॉइंट कट कर रहा है, उस ग्राफ में देखेंगे तब एक्स और वाई के वैल्यू। लेकिन हमको डायरेक्ट यहाँ पर पता चला है कि ये क्या यूनिक सोल्यूशन है ना, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा देखिए, दूसरा केस आप देखो, दूसरा केस में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, अगर ऐसा हो जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमारे पास जो इसका जो सोल्यूशन होगा
वो सोल्यूशन मेरा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। एग्जांपल देख लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 300। ये एग्जांपल देख लो, यानी हमने ये बोला कि ए वन अपन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपन बी टू डज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपन सी टू। ये नो सोल्यूशन कब होगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई होगा। देखो कंडीशन कहीं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो। ए वन क्या है आपका, 2 है, ए टू क्या है, 4 है, इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे बी वन क्या है आपका, 1 है, बी टू क्या है, 2 है, सी वन क्या है, 160 है, सी टू क्या है, 300। अब ये देखेंगे 1/2 ये इक्वल है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 है, ये भी कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब तो ये नहीं है ना, 8/15 डज नॉट इक्वल्स है ना, यानी ये 8/15 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2, ये इसके बराबर नहीं है ना, इसलिए क्या है, ये क्या है, ये नो सोल्यूशन देगा, ये कंडीशन नो सोल्यूशन। जब ऐसा आ जाए कंडीशन a1/a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ऐसे केस में इक्वेशन जो होता है वो नो सोल्यूशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट में कोइंसाइड कर जाएगा, अपन जहाँ पे कोइंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट, तो हमको उसमें क्या बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। सपोज ये देख लो कैसे, एग्जांपल देख के लो, एक्स प्लस टू वाई प्लस 4, यहाँ पर ले लेते हैं 2x 4y इज इक्वल्स टू 8। देख लो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे इधर देख लो इसका 1, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, c1 कितना है 4, और c2 कितना है 8। और दोनों का सिंप्लीफाई करो, 1/2 दो से करेंगे तो 1 2, ये भी क्या 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1/2 1/2, यानी ऐसा जब कंडीशन आ जाए इक्वेशन तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट, जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको सब जगह यूज होता है, जैसे आपको अलीगढ़ में भी क्वेश्चन पूछता है, MU में पूछता है, जामिया में पूछता है कि कौन सा इक्वेशन कौन सा है, सॉरी पार्लर है, कौन सा इसमें से इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, कौन सा इक्वेशन इसमें कंसिस्टेंस होगा, ये सारा देखकर आप बता दोगे ना। इतना डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हमने फिनिश कर दिया है। बस आपको जाके नहीं समझ में आ रहा, एक बार वीडियो आपने देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल वेज में हमने समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो आप क्या करेंगे, आप देखिएगा, आपका समझ में आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार